नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। गाजियाबाद के मुरादनगर में बीजेपी नेता ब्रजपाल तेवतिया पर AK-47 से हमला। तेवतिया की गाड़ी पर की गई करीब 100 राउंड फायरिंग। अस्पताल में हालत नाजुक, आरोपियों की तलाश जारी। संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन। कश्मीर मसले पर सदन में होगी सर्वदलीय बैठक। पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। घाटी में जारी तनाव से निपटने के उपायों पर होगा मंथन। शाहरुख खान को लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन विभाग ने रोका। ट्वीट में शाहरुख ने लिखा, सुरक्षा नियमों का करता हूं सम्मान, लेकिन बार बार यूएस इमिग्रेशन की जांच से होता हूं परेशान। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने जताया खेद। रियो में हॉकी के मैदान में खेल मंत्री के जाने से आयोजक नाराज। पहचान पत्र रद्द करने की दी धमकी। गोयल के साथ कई लोगों पर लगाया बदसलूकी का आरोप। गोयल ने ट्वीट कर आरोपों से किया इनकार। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में नदी के बहाव से अहरा 160 फुट लंबा पुल। चंद सेकंड में हुआ धड़ाम। 1972 में हुआ था पुल का निर्माण। थाईलैंड के एक रिजॉर्ट में हुआ दोहरा बम धमाका। 4 लोगों की मौत, 21 से ज्यादा घायल। आतंकी हमले की जताई जा रही है आशंका। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ने रियो ओलंपिक में की जीत के साथ शुरुआत। क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। बैडमिंटन में भी किदांबी श्रीकांत ने पहला ग्रुप मैच किया अपने नाम। तो यदि इस वक्त की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।